Good morning, children. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today I will tell you about letter M. M ki sound kaisi hoti hai? Jab hamari tummy mein pain ho jata hai to hum bolte hai na? To M ki sound hoti hai? तो मैम आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही है और आप ध्यान से देखेंगे कि एम लेटर से कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो कैन यू टेल मी, क्या आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इसे? यस, इसको तो बच्चे सब जानते हैं। ये है एम मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल सबके घर में होती है ना, ये बच्चों की टॉयज में भी ये होती है ना, बच्चों के फेवरेट टॉय है ये। ये है एंड दिस मून। क्या है ये? मून। अच्छा, ये कहाँ दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है स्काई में। और कब दिखाई देता है? जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, तब ये मून दिखाई देता है। जिस बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो वो बच्चे जब रात होगी तो आप रात में देख सकते हैं। तो ये किस लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर एम से। एम मून। एंड दिस, ये व्हाट इज दिस? क्या है ये? माउंटेन है ना। आप देखेंगे ये नैनीताल बैंक है ना, यहाँ पे रानी खेत में, वहां पे से आप खड़े होके देखना, हमें माउंटेन दिखाई देता है। माउंटेन जहाँ हमेशा क्या बर्फ पड़ी रहती है, स्नो फॉल हुई रहती है, बर्फ गिरी रहती है ना। तो ये है माउंटेन। ये भी एम लेटर से स्टार्ट होता है। एम माउंटेन। एंड दिस, ये तो बच्चों को पता है, करके आते हैं ना, बाइक कर लेते हैं। जब बच्चे टीच करते हैं इसको तो बाइक करने आते हैं ना। तो ये है मंकी। एम से मंकी। और ये ध्यान से देखो, ये है माउथ। क्या है ये? माउथ है ना। तो ये भी एम लेटर से ही स्टार्ट होता है और इसकी साउंड कैसी होती है? माउथ। ओके, गुड। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैम ने देखो ये पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। कैन यू टेल मी, जल्दी से बताओ क्या है? समर सीजन में बहुत सारे आते हैं ना। ये है मैंगो और इसकी साउंड कैसी होती है? मैंगो। एंड दिस मग। जब हम पैकिंग करते हैं तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना। तो ये है मग। ये भी एम लेटर से स्टार्ट होता है। एम मग। अब हम करते हैं स्टोरी। ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। ओके, फोल्ड योर हैंड्स एंड फोल्ड योर लेग। सिट नाइसली, ऐसे बैठेंगे सब, और तभी तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि मैम क्या सुना रही है। ओके, मिनी एंड मोना आर टू फ्रेंड्स। एक बार क्या था, दो फ्रेंड्स थी मिनी एंड मोना। दे लव टू ड्रिंक मिल्क। उनको क्या पीना पसंद था? मिल्क पीना बहुत पसंद था। जैसे आपको पसंद होता है ना, जो बच्चे नहीं पीते जल्दी जल्दी मिल्क पियेंगे और क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मैम भी डेली डेली मिल्क पीती हैं। और वो डेली कहाँ जाया करते थे? डेरी मिल्क में। क्या लेने? मदर डेरी। क्या लेने जाते थे? वो मिल्क लेने जाया करते थे। और दे एंजॉय ईटिंग मिल्की बार टुगेदर। और वो क्या करते थे? दोनों एक साथ मिल्की बार भी खाया करते थे। जैसे आप लोग शेयर करते हैं एक दूसरे को, साथ बैठ के पार्क में बैठ के आप खाया करते अपनी फेवरेट चीजें, ऐसी उनको क्या पसंद था, क्या खाना पसंद था? मिल्की बार। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी? गुड। तो इसमें हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ स्टोरी? नंबर वन मिनी। मिनी एक गर्ल है और दूसरी गर्ल कौन सी है? मोना। और थर्ड इज मदर। मदर भी किस लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर एम से। ओके, और मिल्क। मिल्क किस लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर
और दिया स्टोरी। तो बच्चों आप अपने घर में अपनी अलग अलग चीजें, अलग अलग जितनी भी चीजें होती है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम लेटर से, है ना। ओके तो बच्चों, और बच्चों आपको पता है इसमें और एक चीज है, वो क्या है? मिल्की बार चॉकलेट। ये तो मैं बता भी भूल गई थी। तो इसमें क्या है? मिनी, मोना, मदर, मिल्क एंड मिल्की बार चॉकलेट। फाइव वर्ड्स आर देयर इन अ स्टोरी। ओके ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब एम लेटर हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, हमने किए थे ना स्टैंडिंग, स्लांटिंग, स्लिपिंग, ये वाली लाइन की थी ना, तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है। तो देखेंगे ध्यान से, ये रखी चॉकलेट, ये चौक रखी और बनाई स्टैंडिंग लाइन है। इसमें हमने बनाई एक स्लांटिंग लाइन, फिर एक और स्लांटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, बना लेटर एम। ओके, फिर से ध्यान से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बना लेटर एम। ओके, ध्यान से बच्चों, आपको ये फोर्थ वाली लाइन टच बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें फोर लाइन होती है, 1 2 3 4, तो हमें कितनी लाइन में लिखना होता है? ओनली 3 लाइन में लिखना होता है। तो ऐसे ही आपको नीटली नीटली वर्क करना है। ओके, स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर स्लांटिंग लाइन बनाई 2, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाई, बन गया लेटर एम। फिर से ध्यान से देखेंगे, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, बना लेटर एम। ऐसी आपकी वर्कबुक है, आप निकालेंगे ये वाली वर्कबुक और ओपन करेंगे पेज नंबर 44। ये इस पेज, ये वाला पेज ओपन करेंगे, आप देखेंगे इसमें क्या बना हुआ है। ये इसने बना है मैंगो, जूसी जूसी मैंगो, है ना। समर सीजन में सबको जूस भी पसंद होता है, फ्रूट्स खाने पसंद होते हैं ना, तो ये भी एम लेटर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये भी क्या है? मंकी। मंकी एक ट्री से दूसरी ट्री में क्या करते हैं? जंप करते रहते हैं, है ना। और मंकी को क्या पसंद होता है? बनाना। और दिस, ये कौन सी पिक्चर है? ये है मैट। मैट मींस चटाई। आपके घरों में चटाई होगी, है ना, तो ये वही मैट है। ये भी किस लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर एम से। टर्न योर पेज। अब ऐसे हम पलटेंगे, एक और पेज है, देखते हैं यहाँ कितनी सारी पिक्चर्स हैं एम लेटर से। तो हम देखते हैं कौन कौन से, क्या आप बता सकते हो ये कौन सी पिक्चर है? यस, बच्चे बता सकते हैं क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हो गए नर्सरी के बच्चे। ये है मून, है ना, एम मून। एंड दिस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों ने तो पहचान लिया होगा, ये है मशरूम। मशरूम बच्चों आपको फेवरेट लगता है, सब्जी बनाते हैं इसकी मशरूम की। ये है मशरूम, ये भी एम लेटर से ही स्टार्ट होता है, एम मशरूम। एंड दिस, ये है मैन। जो अंकल होते हैं, पापा होते हैं, ये क्या होते हैं? मैन होते हैं, है ना, तो ये भी एम लेटर से ही स्टार्ट होता है, एम मैन। एंड दिस, ये मग। अभी मैंने बोर्ड में बताया था ना आपको, ये है मग, ये भी एम लेटर से ही। टेल मी, ये क्या है? ये है मॉप, है ना। मॉप मींस पोछा, हम घरों में लगाते हैं ना पोछा, तो ये वही मॉप है। ओके, ये भी एम लेटर से स्टार्ट होता है। अब देखो नीचे, यहाँ आपको क्या करना है? कलर ओनली एम लेटर्स। आपको ये सारे लेटर्स में से पहचानना है कि एम लेटर कहाँ कहाँ लिखे हैं और उसमें आपको कलर करना है। ओके, अब हम करते हैं इसमें रिटर्न। देखो अब इसमें रिटर्न वर्क भी है। हर बार जैसे आप करते हैं ना, ओनली
वन पेज ट्रेसिंग का होता है, ये तो वेरी सिंपल है, आप ट्रेसिंग कर लेंगे। बट यहाँ देखिए एक और पेज है, ये पूरा ब्लैंक है, इसमें आप मम्मी को बोलेंगे ऐसे डॉट दे देंगे सिंगल सिंगल नीचे हर लाइन में, आपको ये वाला पेज भी कंप्लीट करना होगा। ओके, और एक वर्क और है आपके लिए, ये देखिए मैम ने आपको रेडी करके दिया हुआ है, यहाँ भी ये भी लेटर क्या है, एम, एम से मैंगो, मग, मून बनाए हुए है ना, अभी मैम ने बताया आपको, ऐसे ही नीचे मैम ने फर्स्ट लाइन आपको ट्रेस करके दे रखी है, बना के रेडी करके दी हुई है, और नीचे मम्मी को बोलेंगे सिंगल सिंगल डॉट देंगी दोनों पेज में। आपको पीटीएम तक ये वर्कबुक भी और नोटबुक भी दोनों रेडी करके आप मैम के पास चेक करेंगे। ओके किड्स, टिल देन बाय बाय।